में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत को जल्द मिलेगी कोरोना की तीसरी वैक्सीन, एक्सपर्ट कमेटी ने रूस के स्पुतनिक वी को दी मंजूरी। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने राज्य सरकार पर कसा तंज, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को झेलना पड़ा किसानों का विरोध। एसीबी की जयपुर में बड़ी कार्रवाई, असिस्टेंट फायर ऑफिसर 90,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी राज्य वित्त आयोग के गठन की मंजूरी, पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह बने आयोग के नए अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में पांचवें चरण के लिए कई चुनावी रैलियां की। पीएम मोदी ने इससे पहले वर्धमान में रैली को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की कल्याणी में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में कहा कि मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि आपके इस सेवक ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचे, इसके लिए बड़ी योजना शुरू की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी में रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने धूपगुड़ी तथा हेमताबाद में जनसभा को संबोधित किया। कोरोना वायरस के विकराल रूप के बीच एक राहत भरी खबर आई है। भारत में एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है, यानी अब भारत में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सूत्रों की माने तो स्पुतनिक द्वारा ट्रायल का डेटा पेश किया गया है, जिसके आधार पर यह मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान शरीफ की आयतों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को सुजानगढ़ में किसानों का विरोध झेलना पड़ा। सभा में जाते समय उनको किसानों ने तीन कृषि कानूनों के विरोध में काले झंडे दिखाए। राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाला उपचुनाव अब परवान चढ़ने लगा है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत इन चुनावों में झोंक दी है। भाजपा की ओर से सुजानगढ़ में खेमाराम मेघवाल के समर्थन में एक जनसभा हुई। जनसभा को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नाथी के बाड़े पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री शिक्षकों का सम्मान नहीं करते। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपने वादे से मुकर गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार 2.5 साल भी नहीं चलेगी। वहीं सतीश पूनिया ने सभा में नाथी का बाड़ा पर नारे लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम चौपट है। वहीं पूनिया ने इशारों में सरकार को लेकर फिर बड़ा संकेत दिया। सुजानगढ़ में केंद्रीय वित्त मंत्री को दिखाए काले झंडे, किसानों ने दिखाए काले झंडे। भाजपा कार्यकर्ताओं किसानों में झड़प, पुलिस ने बीच बचाव किया। 3 कृषि कानूनों का कर रहे हैं विरोध। राजस्थान भाजपा के चुनाव संपर्क विभाग के प्रदेश अध्यक्ष नाहर सिंह माहेश्वरी ने प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायती पत्र लिखा है। पत्र लिखकर शिकायत की है कि राजसमंद सांसद दिया कुमारी को कांग्रेस व NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके होटल पर पहुंचकर भयभीत कर रहे हैं। सांसद ने इस बाबत पुलिस को सूचना भी दी थी। पुलिस ने सूचना के बाद भी असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार नहीं किया। शिकायती पत्र के साथ घटनास्थल के वीडियो फुटेज भी आयोग को उपलब्ध करवाए। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीना के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने धरने पर बैठने की चेतावनी दे डाली है। बेनीवाल ने बीकानेर में सामने आए एक स्कूली छात्र से कुकर मामले पर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रेंज IG के दफ्तर पर धरने पर बैठ जाने की चेतावनी दी है। नागौर से RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर के कोलाया क्षेत्र के बज्जू थाना इलाके में एक 12वीं कक्षा के छात्र के साथ अमानवीय रूप से हुई दरिंदगी की घटना पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुकदमा दर्ज नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई करने की मांग की है। ACB इन दिनों प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में उस्तैद है। ACB ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
एसीबी ने असिस्टेंट फायर ऑफिसर छोटू राम को 90,000 रुपए की रिश्वत देते गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही असिस्टेंट फायर ऑफिसर के ड्राइवर फतेह सिंह को भी एसीबी ने पकड़ लिया है। दरअसल असिस्टेंट फायर ऑफिसर छोटू राम ने यह रिश्वत एनओसी जारी करने की एवज में मांगी थी। यह कार्रवाई एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन पर एएसपी संजीव नैन व डीएसपी चित्रगुप्त महावर ने की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में काफी दिनों से वित्त आयोग में पद खाली पड़े थे। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहोटी को वित्त आयोग का सदस्य बनाने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह से 19 मार्च को सीएम अशोक गहलोत ने उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी। राजस्थान ने 1 करोड़ वैक्सीनेशन लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य हो गया है। 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर चिकित्सा मंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर आयु वाले सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया था। प्रदेश के 3,380 सरकारी और 188 निजी साइट पर वैक्सीनेशन जारी है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने छात्र हित में बड़ा फैसला किया है। प्रदेश भर के कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों को माध्यमिक निदेशालय बीकानेर ने प्रमोट करने का फैसला किया है। कक्षा 1 से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पहले से ही प्रमोट कर दिया था। राजस्थान में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए प्रदेश भाजपा ने अपने मुख्यालय में आमजन सहित अन्य लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी 15 दिन के लिए लगाई गई है। इस दौरान कार्यालय कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाएगा, वहीं आमजन का मुख्यालय में प्रवेश निषेध रहेगा। भाजपा के पदाधिकारियों और नेताओं को भी विशेष परिस्थिति में ही मुख्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना से मुख्यालय को सुरक्षित रखने के मकसद से यह निर्णय किया गया है। यह दूसरा मौका है जब भाजपा मुख्यालय में प्रवेश को बंद किया गया है। राजस्थान के डीडवाना के निजी स्कूल संचालकों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक चेतन डूडी को ज्ञापन सौंपा। निजी स्कूल संचालकों ने यह ज्ञापन स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान के नेतृत्व में दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि कोरोना के चलते राजस्थान के 45,000 निजी विद्यालय बंद पड़े हैं, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। डीडवाना स्कूल शिक्षा परिवार के नेतृत्व में विधायक चेतन डूडी को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट निजी संस्थान जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, इनके प्रतिनिधि मुझसे मिले। इनका ये कहना है कि कोरोना जो पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त निकल गया, इसमें बच्चों की शिक्षा बाधित हुई है। इन लोगों का जो शिक्षण का काम कर रहे थे, उनके रोजगार पे बड़ा भारी सुखारा घात हुआ है। इन लोगों की मांग यही है कि हमें जितना ज़्यादा मदद मिल सके, कोऑपरेशन मिल सके प्रशासन की तरफ से, वो रहे। और शिक्षा मंत्री के पास जो इनकी उचित मांगे हैं, जैसे आरटी का जो पैसा नहीं मिल पाया वो मिले, क्योंकि ये बात सत्य है कि इनके रोजगार पे बड़ा भारी आघात लगा है, कुठाराघात हुआ है। कोरोना एक ऐसी महामारी नहीं, तो मेरा ये इन लोगों से या इनकी जो मांग है, मैं कोशिश करूंगा शिक्षा मंत्री के पास पहुंच जाए। राजस्थान के डीडवाना में सेना की ओर से स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन 1971 में भारत पाक के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। इसके अंतर्गत 1971 के युद्ध में शहीद हुए डीडवाना क्षेत्र में वीर सपूतों की तस्वीरों के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। साथ ही शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं व उनके परिजनों का भी अभिनंदन किया गया। सेना की ओर से निकाली जा रही विजय मशाल डीडवाना पहुंची, जिसका शहीद स्मारक पर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में सेना के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राघवेंद्र पृथ्वीराज सालगर ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल से ज्योति प्रज्वलित कर विजय मशाल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इनमें से 4 स्वर्णिम विजय मशालों को प्रज्वलित करके भारत के विभिन्न प्रांतों में जनदर्शन हेतु भेजा गया है। यह मशालें 1971 के युद्ध में सम्मिलित वीरों के घर ले जाई जाएंगी और उनके आंगन से मिट्टी एकत्रित कर वापस नेशनल वॉर मेमोरियल में समर्पित की जाएंगी। चैत्र नवरात्र की शुरुआत मंगलवार से हो रही है। नवरात्र में शक्ति स्वरूपा माता जी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन लोग घरों में घट स्थापना करेंगे। देश प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का निर्णय लिया है।
राजस्थान में भी बीकानेर में करणी माता का मंदिर, जयपुर के आमेर स्थित शिला माता का मंदिर भी बंद रहेगा। चैत्र नवरात्र पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।